गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया हर साल इसरो पर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करता है, पर फिर भी इसरो दुनिया की सबसे कम बजट वाली स्पेस एजेंसी है। लेकिन कैसे? दरअसल ये बात है साल 1972 की, जब सतीश धवन इसरो के नए चेयरमैन बने थे। तब वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हमें इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे देशों से आगे ले जाना है तो ज्यादा से ज्यादा बजट को रॉकेट और स्पेस में लगाना होगा, और इसलिए उन्होंने इसरो हेड होने के बावजूद भी कई बार अपने 10 सालों के कार्यकाल में मात्र 1 रुपए सैलरी ही ली थी, जिसे बाद में आगे इसरो के कई चेयरमैन ने भी फॉलो किया था। और शायद इसी वजह से हमारी इसरो ने हमें मार्वल की मूवी से भी कम बजट में मंगल तक पहुंचा दिया। गाइस, सतीश धवन जी ने अपने आप से पहले अपने देश के बारे में सोचा। सलाम है ऐसी सोच को। जय हिंद, जय भारत। वही देश, वही वेन्यू और लगभग वही इंडिया पाकिस्तान की टीम। जी हाँ गाइस, आज से करीबन 10 महीने पहले जिस मैदान पर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया था, आज उसी मैदान पर भारत ने पाकिस्तान के पूरे 10 विकेट गिराए और एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना बदला पूरा किया। वहीं संयोग की बात यह है कि जिस खिलाड़ी की फिटनेस की वजह से टीम हारी थी, आज उसी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। हार्दिक ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए पाकिस्तान के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अंत में बस यही कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए मौका तो आया, पर वो हमेशा की तरह मौका ही बनकर रह गया। वैसे गाइस, आपको इंडियन टीम की किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा।